आजकल कोई भी नहीं देखता कि आपने उसके लिए क्या कहा है। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। छल, कपट और पाप सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपको कैसे देखते हैं, मायने ये रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। झूठा और धोखेबाज व्यक्ति ईमानदार और सच्चे व्यक्ति का साथ कभी नहीं निभा सकता। अगर किसी के कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती तो उसकी जिंदगी से चले जाना बेहतर है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वो आपकी सभी कमियों के साथ भी आपको स्वीकार करेगा। पहले लोग भावुक होते थे और रिश्तों की कद्र करते थे, लेकिन अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं और रिश्तों का फायदा उठाते हैं। गुजरे हुए समय पर ध्यान न दें, जो आपका नहीं है उसे छोड़ दें। जहां आपको लगे कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, वहां से खुद को अलग कर लें। वही व्यक्ति आपका सच्चा साथी हो सकता है जो आपके कठिन समय में आपका साथ दे। कुछ तूफान जीवन में ऐसे भी आते हैं जो आपके रास्ते को साफ कर देते हैं। जो चीज समय पर नहीं मिलती, चाहे वो बाद में मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को जबरदस्ती प्रेम में नहीं बांध सकते, लेकिन आप उससे दूर जाकर ये एहसास जरूर करा सकते हैं कि उसने क्या खो दिया। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। जबरदस्ती से रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो हमेशा याद रखें कि आपके रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अपनी मोहब्बत को उसके लिए संभाल कर रखें जिसे इसकी कद्र हो। आजकल का प्यार अजीब हो गया है। कुछ लोग अपनी अकड़ और गलतफहमी की वजह से अनगिनत रिश्ते खो देते हैं। गलतफहमी का एक पल आपके सभी प्यार भरे पलों को नष्ट कर सकता है। कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर सुनने वाला कोई नहीं मिलता। भरोसा और प्यार बहुत कीमती हैं, इसलिए सस्ते लोगों से कभी इनकी उम्मीद ना करें। दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और जब वो जाता है तो सुख देकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अंदर ही अंदर सह सकते हैं पर उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। मेरा दिल किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये बात मुझे साबित करनी नहीं आई। देर से कहा गया सच कभी कभी झूठ जैसा लगता है। कुछ लोग जब अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, रो देते हैं। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो वो दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जो आज आपका है, जरूरी नहीं कि वो कल भी आपके पास रहे। इसलिए जो आज आपके पास है उसकी कद्र करो। अच्छा, समय सुंदर यादें देता है और कठिन समय महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जो तुमसे दिल से बता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत दो। जिंदगी में अक्सर वही लोग हमें दुख पहुंचाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। दुख तब कम हो जाता है जब हम अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। अगर कोई आपकी खबर नहीं लेता तो परेशान न हो, क्योंकि इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज्यादा हैं। दूसरों के मुंह से सुनी बातों को अपने रिश्तों को खत्म न करें, क्योंकि रिश्ते आपके होते हैं, दूसरों के नहीं। आपका अच्छा व्यवहार आपको वो कीमती चीज भी दिला सकता है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ लोग हमारी संपत्ति तो नहीं होते, पर हम उन्हें खोकर अपना सब कुछ खो देते हैं। कभी कभी आप बिना गलती किए भी गलत समझे जाते हैं, क्योंकि आप नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब किसी को हंसाते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। माता पिता ही वो गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते पर जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखें, चाहे वो आपका हो या आपके प्रियजनों का। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखें, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। परिणाम हमेशा प्रयासों के अनुसार होते हैं। रिश्ते खून से नहीं, श्वास से बनते हैं। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश ना हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं है। जिंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं और यही फैसले जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अच्छाई के पीछे ही जाता, सभी बुराई के पीछे जाते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और दूध बेचने वाले को हर जगह घूमना पड़ता है। एक पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता जाता है और समझ में तब आता है जब समय चला जाता है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो बातें हमेशा याद रखें। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। हमेशा संदेह करने वालों के लिए ना तो आज कुछ और ना ही कल होगा।
जब इंसान का हौसला उसकी मुश्किलों से बड़ा हो, तब उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी जीत है। दूसरों से तुलना करने से जीवन में सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती हैं। अगर आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो वो सब छोड़ दें जो आप स्वार्थ के लिए करते हैं। जिस काम को करते समय आपको डरना हो, वो काम आपको कमजोर बना देता है। दिमाग में बैठा गलत विचार आपके बहुत सारे सही विचारों को भी नष्ट कर सकता है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि पहाड़ कभी नहीं रोकता, जबकि छोटे पत्थर हमेशा पैरों में छाले पैदा कर देते हैं। अपने आज में जीना सीखो, क्योंकि कल ना तो आया है और ना ही आएगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरियों का नहीं। खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर गंदी जगह में भी गिरे तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। मन वो सफेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबो देंगे वो उसी रंग का हो जाएगा। दोस्त को धन की नजर से मत देखो, वफा करने वाले अक्सर गरीब होते हैं। विचार हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। कहते हैं कि बुरा समय सभी का आता है, कुछ लोग उसमें निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। कठिनाइयों से लड़ते समय हमेशा ये याद रखो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो समुद्र को सुखा सके। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदल सकती, इतनी जल्दी इंसान की नजर और नीयत बदल जाती है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें ये सिखाता है कि जब तुम जीवन में बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें छोड़ देते हैं। पहले लोग दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे, और अब वो एक दूसरे की राह में कांटे बिछा देते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, उन्हें वो भी नहीं मिलता जो उनकी किस्मत में होता है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें समझ सके। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे की मोहब्बत और तुम्हारी चुप रहने की वजह। किसी के मुश्किल समय में उसका साथ दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा समय तो चला जाएगा, लेकिन वो तुम्हें जीवन भर दुआएं देगा। सफलता पाने के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग पीछे आते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। इंसान कहता है, पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊंगा। पैसा कहता है, तू पहले कुछ करके दिखा तो मैं आ जाऊंगा। अगर आप हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप वाकई नहीं कर पाएंगे। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको खुद को निरंतर सुधारना होगा। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्य में प्रतिभा और समर्थन से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। व्यक्ति का कठिन समय उसके लिए दर्पण की भांति होता है, जो उसको उसकी क्षमता के बारे में बताता है। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं हूं कि कोई पैसों से टूटे हुए विश्वास को फिर से स्थापित करके दिखाए। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। इस दुनिया में बने रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोग बहुत परेशान करते हैं। अक्सर इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे समझ में आता है कि जिसे वो सब कुछ मानता है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या रास्ता खत्म हो जाता है। प्यार को कोई पैसों से नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके लिए अक्सर भारी मोल चुकाना पड़ता है। रिश्ते आजकल ऐसे हो रहे हैं कि ना वो साथ छोड़ रहे हैं और ना ही निभा पा रहे हैं। एक अजीब सा रिश्ता है हमारे बीच, वो हमारे लिए सब कुछ है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं। लोग अक्सर अपने दिल के जख्म दिखाने की जगह छुपाना पसंद करते हैं। बीमार होने के लिए हमेशा बीमारी की जरूरत नहीं होती। आजकल लोग दूसरों की खुशी देखकर भी जलन महसूस करते हैं। सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अक्सर ये दुनिया उन्हें सस्ते में लूट लेती है, जिन्हें खुद की कीमत का पता नहीं होता। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ इस सोच के आधार पर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे प्यार नहीं करते। असली तकलीफ होती है जो प्यार का दिखावा करते हैं। जबरदस्ती किसी के जीवन में शामिल होने की बजाय खुद को संभालो और उसके जीवन से दूर हो जाओ। एक पल के लिए मान लो कि किस्मत में फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन आप फैसला तो कर सकते हैं। कौन जाने
किस्मत खुद बदल जाए। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी नाराज है। कल मेरा था, आज तुम्हारा, कल किसी और का होगा। वक्त कब किसका हुआ है? इंसान सिर्फ तभी टूट जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझते हैं। लोगों को समय दो, रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे।